आज है स्पीड क्यूबिंग की सीरीज का चौथा पार्ट और आज हम सीखेंगे लास्ट लेयर का थोड़ा सा एडवांस्ड वर्जन। अच्छा भाई, इस वीडियो में आपको लास्ट लेयर सॉल्व करना नहीं सिखा रहा, आप लोगों को लास्ट लेयर बिगनर्स मेथड से सॉल्व करनी आनी चाहिए। ये थोड़ा सा एडवांस मेथड है कि आप लोगों ने लास्ट लेयर को 5 सेकेंड में कैसे सॉल्व करना है, आज हम उस पर बात करेंगे। वैसे अगर आपने लास्ट लेयर सीखनी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके सीखो। अच्छा खैर, आज की वीडियो का टॉपिक है टू लुक OLL। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जब हम बिगनर मेथड से लास्ट लेयर सॉल्व करते हैं तो किस तरह करते हैं। सबसे पहले हम एक क्रॉस बनाते हैं, ठीक हो गया। उसके बाद हम एजेस को मैच करते हैं, अभी दो मैच हैं, इनको ऐसे रखेंगे, एक एल्गोरिथम लगाएंगे और सारे एजेस को मैच कर लेते हैं। उसके बाद एक ठीक पीस ढूंढते हैं, अभी कोई भी नहीं है, अब ये एक ठीक कॉर्नर ढूंढा, अब ये एल्गोरिथम लगाया तो भाई अभी भी ठीक नहीं है। अब सारे ठीक हो गए और इन दोनों को अब लास्ट पे हमने करना है ट्विस्ट। तो इसमें हमारे कोई 20 सेकंड लग जाते हैं, मैं तो फिर फास्ट कर लिया, तुम लोग तो अभी शायद 1 मिनट लगता हो। ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। इस मेथड को छोड़ दो, अब हम सीखने वाले हैं टू लुक OLL। इसके बाद हम F12 पे बात करेंगे, बट आज की वीडियो में हम टू लुक OLL की बात करेंगे, अगली आने वाली वीडियो में हम टू लुक PLL की बात करेंगे। टू लुक OLL आखिर क्या है? टू लुक OLL लास्ट लेयर को सॉल्व करने का बिल्कुल ही डिफरेंट मेथड है। इसमें क्या होता है, टू लुक है ना, लफज देखो टू, वन लुक में हम क्रॉस बनाते हैं, वन लुक में क्रॉस बना दिया, अब टू लुक दूसरी बारी में हम टॉप पे सारा येलो कर देते हैं, इसको कहते हैं टू लुक OLL, यानी कि ओरिएंटेशन ऑफ लास्ट लेयर, टॉप लेयर पे येलो आ गया। अच्छा, टू लुक OLL के बाद आप लोग सीखोगे टू लुक PLL। टू लुक PLL में क्या होता है, एक लुक में हम सारी हेडलाइट्स बनाते हैं, देखना एक लुक में सारी हेडलाइट्स बन गई, इसको हम हेडलाइट बोलते हैं, दो दो सेम कलर्स को। और टू लुक में दूसरी लुक में हम सारा सॉल्व कर देते हैं, यानी कि इसको टू लुक PLL बोलते हैं। टू लुक PLL आने वाली वीडियो में सीखेंगे, यानी कि जो कल आएगी या परसों, और आज हम टू लुक OLL सीखेंगे। इससे ज़्यादा इंट्रोडक्शन मैं नहीं दे सकता। टू लुक OLL में बहुत छोटे छोटे एल्गोरिथम्स हैं जो 80% आपको आते हैं, कसम से आते हैं। आप लोग ये वीडियो देखोगे तो आप खुद मान जाओगे। अगर तो आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें मैंने आपको एल्गोरिथम्स को लर्न करना सिखाया है इंट्यूटिवली, ना कि एल्गोरिथम को देख के, तो आप लोगों के लिए ये वीडियो बस मजाक है। खैर, पहला केस क्या है, क्योंकि टू लुक OLL में हमने वन लुक में क्रॉस बनाना है। अच्छा, पहला केस ये है लाइन, आप लोगों को पता है इसको हमने ऐसे नहीं, ऐसे रखना है हॉरिजेंटल, और F सेक्सी मूव F प्राइम करना तो हमारा क्रॉस बन जाएगा। हाँ, ये पहला केस था, तुम लोगों को आता था ना। ये है दूसरा केस जिसमें L है, तो आप लोगों को पता है आप लोगों ने L को इस तरफ रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे रखना है। और वन लुक में हमने क्रॉस कैसे बनाना है, हमने फ्रंट की दो लेयर्स यानी स्मॉल F, अगर आपको एल्गोरिथम्स रीड नहीं करने आते तो मेरी लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज देखो जो प्ले लिस्ट में है, उसमें आप लोगों को मिल जाएगा ट्यूटोरियल। अच्छा जी, आप लोगों ने स्मॉल F करना है, एक दफा सेक्सी और स्मॉल F प्राइम, स्मॉल F यानी कि फ्रंट की दो लेयर्स इकट्ठी घुमानी है। देखो, वन लुक में क्रॉस बन गया। और ये है तीसरा केस कि सिर्फ आप लोगों के पास एक डॉट है और चारों एजेस के टॉप में येलो नहीं है, तो आप लोगों ने एक दफा F सेक्सी F प्राइम करना है, L बन गया, और दूसरी दफा स्मॉल F सेक्सी F प्राइम करना है, आप लोगों का वन लुक में क्रॉस बन गया। हाँ, यही थे एल्गोरिथम्स। अच्छा, बिगनर्स मेथड में हम लास्ट लेयर पे क्रॉस बनाने के बाद एजेस को मैच करते थे। आप लोगों को याद होगा, अगर दो एजेस मिल जाते थे तो हम एक को बैक में एक को राइट में रख के ये एल्गोरिथम लगाते थे और उससे हमारे सारे एजेस मिल जाते थे। एक सेकेंड, हाँ सारे मिल गए ना। लो भाई, अगला OLL का केस यही है। अच्छा, एक दफा दोबारा बता दूं, मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग समझते नहीं है। टू लुक OLL में वन लुक में हमने क्रॉस बनाना था, वो बना लिया, अब दूसरे लुक में हमने बाकी कॉर्नर्स के टॉप पे येलो कर लेना, ठीक है। अब उसमें सबसे पहला केस ये है, इसको बोलते हैं हम सून एल्गोरिथम, वही एल्गोरिथम है जो हमने अभी अभी देखा। अच्छा, किसी क्योंकि एजेस के टॉप पे तो येलो हमने वन लुक में कर लिया, अब अगले लुक में कॉर्नर्स के टॉप पे करना है, तो भाई इसमें दो तरह की सिचुएशंस होती हैं, या तो एक के टॉप पे येलो होगा और तीन के टॉप पे नहीं, अभी तीन के टॉप पे नहीं है, तो जिसके टॉप पे येलो है उसको हम फ्रंट पे ले आएंगे, फ्रंट पे आ गया, लेकिन फ्रंट राइट नहीं, फ्रंट लेफ्ट पे रखना है, फ्रंट लेफ्ट पे चला गया। अब आप लोगों ने एक चीज़ गौर करनी है कि जो येलो कलर है यहाँ पे है या यहाँ पे है, इस कॉर्नर वाला जो येलो कलर है वो यहाँ पे आपके फ्रंट साइड पे या आपके राइट साइड पे, अभी फ्रंट साइड पे। अगर फ्रंट साइड पे होगा तो ये एल्गोरिथम आप लोग देख के भी याद कर सकते हो, अगर इसको इंट्यूटिवली समझना है तो मैं बता देता हूँ। एक दफ़ा फिंगर ट्रिक्स देख लो, आर
यू आर प्राइम, यू आर यू टू आर प्राइम, टॉप पे सारा येलो हो गया, यानी आपका टूलू कोएलल सॉल्व। और अगर इसी एल्गोरिथम को इंट्यूटिवली देखें तो भाई ये कॉर्नर को बाहर निकाला जा रहा है आर यू आर प्राइम से, इस कॉर्नर को एक दफ़ा आगे किया जा रहा है और अब इस कॉर्नर को डायरेक्ट इधर इंसर्ट किया जा रहा है आर यू टू आर प्राइम। बस यही था। दूसरा केस कुछ इस तरह का, आप लोग कहोगे भाई ये तो पहले जैसे ही केस है, बस एक के टॉप पे येलो। हाँ ठीक है, मैंने कहा था जिसके टॉप पे येलो होगा उसको फ्रंट लेफ्ट में ले आना है और देखना है यहाँ वाले का येलो फ्रंट पे है कि राइट में है। पिछले केस में फ्रंट पे था, इसमें राइट में है। अगर राइट में होगा, अगर ये येलो राइट में हो तो इस येलो को फ्रंट पे कर लेना इस तरह, और वो कॉर्नर जिसके टॉप पे येलो है वो बैक में चला जाएगा। अब या तो एल्गोरिथम देख के समझ लो या फिर मैं जिस तरह समझाता हूँ वो समझ लो। पहले फिंगर ट्रिक्स देखते हैं उसके बाद एल्गोरिथम समझते हैं। फिंगर ट्रिक्स इसकी कुछ इस तरह की है, आर प्राइम यू प्राइम आर यू प्राइम आर प्राइम यू टू आर। अब एल्गोरिथम इंट्यूटिवली समझ लेते हैं। अगर हम इस एल्गोरिथम में कर कह रहे हैं, हम इस कॉर्नर को बैक से बाहर निकाल रहे हैं, आर प्राइम यू प्राइम आर, बैक का कॉर्नर बाहर निकल आया। अब इस कॉर्नर को एक दफ़ा इधर ला रहे हैं और अब डायरेक्ट यहाँ से बैक में इंसर्ट कर रहे हैं आर प्राइम यू टू आर से, हो गया सॉल्व। अगला केस कुछ इस किस्म का कि चारों के टॉप पे येलो है ही नहीं भाई, लेकिन आपको दो हेडलाइट्स मिल जाएंगी। पहला केस ऐसा है कि आपको दो हेडलाइट्स मिल जाएंगी आमने सामने, दो इस तरफ है दो इस तरफ है, दो दो, ठीक है। तो आप लोगों ने इन दोनों में से कोई भी हेडलाइट को अपने फ्रंट पे कर लेना है तो एक ऑटोमेटिक बैक पे चले जाएगी। भाई या तो एल्गोरिथम को देख के याद कर लो या मेरी वाली टेक्निक से याद कर लो। एक दफा एफ करो, फ्रंट लेयर को घुमाओ, तीन दफा सेक्सी मूव करो, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम, आर यू आर प्राइम यू प्राइम और एफ प्राइम। यार अब तक जो कुछ हमने सीखा है वो तुम लोगों को आता है, कसम से आता है। अगर मेरी पिछली लर्न स्पीड क्यूबिंग वाली सीरीज की पहली वीडियो से अब तक देखते आ रहे हो, ये चौथी क्लास है उसकी, भाई कितना ईजी है टूलू कोएलल। अच्छा अगला केस कुछ इस किस्म का कि चार कॉर्नर्स के टॉप पे येलो नहीं। आपको होगी भाई पिछले में भी ऐसा था, हाँ लेकिन पिछले में दो हेडलाइट सामने सामने थी, दो हेडलाइट्स इधर थी तो दो हेडलाइट्स इधर थी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यहाँ पे अब दो हेडलाइट्स ऐसे हैं और दो इस तरह येलो है, एक येलो ऐसे एक येलो ऐसे, आउटर साइड्स पे येलो है और दो के इधर। तो भाई इसमें आप लोगों ने क्या करना है, हेडलाइट्स को लेफ्ट पे रखना है, जैसे अभी फ्रंट पे आना तो लेफ्ट पे रख लो। और अब या तो एल्गोरिथम याद कर लो या मेरी वाली टेक्निक याद कर लो, टॉप पे येलो कैसे आएगा, स्मॉल एफ यानी कि फ्रंट की दो लेयर्स को घुमाओ, सेक्सी मूव, फ्रंट की दोनों लेयर वापस करो। अब ये एक टी शेप बन गया और आपको पता आप क्रॉस कैसे बनाते हो लाइन शेप से, यानी कि एफ सेक्सी मूव एफ प्राइम। हो भाई यार यकीन मानो 75% डन हो गया टूलू कोएलल, दो या तीन केसेस रह गए हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले थोड़ी सी एक नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहता हूं, आर यू आर प्राइम यू प्राइम सबको आता है, इसको सेक्सी मूव कहते हैं, लेकिन अगर हम स्मॉल आर पहले आर की जगह स्मॉल आर लगा दें, यानी स्मॉल आर राइट की दो लेयर्स को ऊपर कर रहे हैं हम, यू आर प्राइम यू प्राइम, स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम, बाकी एल्गोरिथम बिल्कुल सेम है, बस पहला आर स्मॉल में बदल गया, यानी दो लेयर्स यू आर प्राइम यू प्राइम। बस इतनी सी बात याद रखनी है, ये मैं एक साइड पर लिख भी देता हूँ। और दूसरी चीज़ जो आप लोगों ने यहाँ पर याद करनी है वो है स्लेज हैमर, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम सबको आता है। मैंने अपनी एल्गोरिथम वाली लर्निंग वाली सीरीज में वीडियो में बताया था कि कैसे याद करना है, आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम, यह है स्लेज हैमर। बट यहाँ पे भी पहला आर अगर हम स्मॉल आर में कन्वर्ट करके बाकी एल्गोरिथम सेम रहने दे तो कुछ ऐसा होगा, स्मॉल आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। बस ये दो चीज़ें अगर आपको आती है तो अगले सारे एल्गोरिथम्स आ गए हैं आपको। भाई अगला टूलू कोएलल का केस ऐसा है, क्रॉस वन लुक में बना लिया, अब दूसरे लुक में दो के टॉप पे येलो नहीं है। अच्छा अब जिन दो के टॉप पे येलो नहीं है तो आप लोग देखोगे उनके साइड्स पे ऐसे येलो है, एक इधर और एक इधर। अब इन दोनों को टॉप पे लाना है तो सबसे पहले तो इनको हम लेफ्ट में कर देंगे, इन दोनों को कर दिया लेफ्ट में, फ्रंट पे नहीं करना लेफ्ट पे। अब एक दफा सेक्सी और एक दफा स्लेज, बट पहला मूव स्मॉल आर जो मैं अभी सिखाया, यानी कि स्मॉल आर, अब बाकी सेम सेक्सी मूव यू आर प्राइम यू प्राइम, और अब स्लेज हैमर सेम बट शुरू का आर स्मॉल है, स्मॉल आर प्राइम एफ आर एफ प्राइम। ओ भाई आखिरी एक केस बचा है, आखिरी केस बचा है, बाकी सारा ओएलएल हम सीख चुके हैं टू लुक।
भाई ये अगला केस कुछ इस तरह का है। आप लोगों को पता होगा कि जो पिछला केस था उसमें दो पास पास वालों के टॉप पे येलो नहीं था और दो यहाँ वाले सॉल्व थे, बट यहाँ पे डायगनल के टॉप पे येलो नहीं है। वन लुक में क्रॉस बन गया, अब दूसरे लुक में हमने इन दोनों के टॉप पे येलो लाना है। अच्छा, जिन दो के टॉप पे येलो नहीं उनमें से कोई भी एक हम फ्रंट पे रखेंगे जैसे ये, लेकिन फ्रंट पे ऐसा पीस रखना है जिसके इधर येलो हो, इसके यहाँ नहीं है, इसका मतलब इसके होगा। हाँ, हो गया। राइट फ्रंट पे ऐसा पीस रखेंगे जिसके फ्रंट पे येलो, इसके फ्रंट पे येलो नहीं था, ये हो गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई, अच्छा होल्डिंग पोजीशन हम मैंने आपको बता दी, ये है हमारी, ये वाला पीस इधर रहेगा। आप लोग सोच रहे होंगे अगला केस आ गया, एल्गोरिथम ऊपर वही चल रहा है। भाई एल्गोरिथम वही है, बस एंड वाला एफ प्राइम स्टार्ट पे आ जाएगा, बस बाकी सेम वही है। एक दफा हम करेंगे एफ प्राइम, क्या यार कमाल है, सेक्सी मूव करेंगे लेकिन स्मॉल आर से, स्मॉल आर यू आर प्राइम यू प्राइम, और स्लेज हैमर के पहले तीन मूव लेकिन स्मॉल आर से, स्मॉल आर प्राइम एफ आर, हो गया टू लुक कोएल पूरा। मुझे बताओ इस पूरी धरती पे इससे आसान ट्यूटोरियल तुम्हें कोई दुनिया का बंदा देगा? सॉरी, एक आखिरी एल्गोरिथम रह गया यार। अच्छा, ये आखिरी है, कसम से आखिरी है। सेम सिचुएशन है, दो के टॉप में येलो बस करना है, हमने वन लुक में क्रॉस बना लिया और टू लुक में हमने लेकिन याद करो पहले वाले केसेस में साइड्स पे येलो था, इसमें हमें हेडलाइट मिल रही है। तो ऐसे केस में ईजी है, बहुत ईजी रिकग्निशन है, देखते ही पता लग जाएगा हेडलाइट है, दो के टॉप पे येलो लाना है, इसको फ्रंट पे रखना है, ऐसे नहीं रखना, ऐसे नहीं रखना, इन दो हेडलाइट्स को फ्रंट पे रखना है। ये एल्गोरिथम बहुत मज़ेदार है, पहले फिंगर ट्रिक देख लेते हैं। R2, अब ये यहां से D, R प्राइम U2 R, अब यहां से D प्राइम मैं ऐसे भी कर सकता हूं और इससे भी कर सकता हूं, बल्कि मैं D प्राइम ऐसे ही करूंगा, और अब दोबारा है R प्राइम U2 R प्राइम। अच्छा, अब इसको इंट्यूटिवली समझ लेते हैं, क्योंकि तुम लोगों को बहुत मुश्किल लगा होगा, तो अब इंट्यूटिवली समझाने की बारी है। पहले दो मूव्स तुमने याद करने हैं, R2 D, इस D को हम बाद में D प्राइम करके ठीक कर लेंगे। अब तुम लोग मान लो कि ये जो कॉर्नर है बैक में, इस कॉर्नर को तुम लोगों ने इधर लेकर आना है, कैसे लाओगे? R प्राइम U2, कॉर्नर आ गए, इसको ठीक कर देंगे R से। अब हमने याद करो D किया था, तो अब D प्राइम भी तो करना है ना, ये लो D प्राइम हम ऐसे कर देंगे या फिर ऐसे भी कर सकते हैं, मर्जी है तुम लोगों की। और अब ये लास्ट वाला जो कॉर्नर है इसको सॉल्व कर देंगे कैसे? R प्राइम, अब इस कॉर्नर को इसके साथ अटैच करेंगे और R प्राइम। यार इससे आसान ये एल्गोरिथम नहीं हो सकता, बाकी तुम लोग रट्टा लगाना चाहो तो इस एल्गोरिथम का रट्टा लगा सकते हो। अगर तुम लोगों को एल्गोरिथम्स रीड नहीं करने आते तो डिस्क्रिप्शन में लर्न स्पीड क्यूबिंग के नाम की एक सीरीज है, उसमें दूसरी वीडियो है हाउ टू फिंगर ट्रिक्स, ऐसा कुछ नाम है, फिंगर ट्रिक्स वाले वीडियो में मैंने तुम लोगों को एल्गोरिथम्स को रीड करना भी सिखाया और ये फिंगर ट्रिक्स भी सिखाई है। देख रहे हो तुम लोग शायद अभी ऐसे क्यूब को करते हो, बट अब हमने ऐसे नहीं करना, अब हमने फिंगर ट्रिक्स यूज करनी है भाई। तो भाई अगर तो ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, चैनल को लाइक कर, अच्छा भाई चैनल को तो सब्सक्राइब करते हैं, हाँ बेल आइकन दबाना। और आने वाली वीडियो में हम सीखेंगे, हाय 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 यार क्या मज़ेदार चीज़, आने वाली वीडियो में हम टू लुक PLL सीखेंगे। टू लुक PLL में हम क्या करते हैं, फर्स्ट लुक में सारी हेडलाइट्स बनाते हैं। जैसे ये देखो, फर्स्ट लुक में हमने सारी हेडलाइट्स बना दी, ये हेडलाइट है, ये हेडलाइट है, और दूसरे लुक में जो अंदर वाले एजेस होते हैं एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम से उसको सॉल्व कर देते हैं। मतलब सिर्फ चार एल्गोरिथम्स की बेस पर तुम लोग अपनी लास्ट लेयर को सॉल्व करने लग जाओगे। ये आधी वीडियो थी, अगली वीडियो में PLL सीखेंगे, कल वीडियो अपलोड हो जाएगी। गुड बाय यार, गुड बाय।